सावन का महीना शिव को समर्पित है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस महीने में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग वो 12 मंदिर हैं जहां शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। इन्हीं में से एक ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर को द्वादश ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान प्राप्त है। बीते कुछ दिनों से लगातार लाखों भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटन का आनंद भी ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यहां 68 तीर्थ स्थित हैं और 33 करोड़ देवता परिवार समेत निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जिस पर्वत पर ये स्थित है उसकी आकृति ओम के आकार की है। मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान यहाँ पर विश्राम करते हैं। शयन आरती का महत्व भी यहाँ इसीलिए अधिक माना जाता है। ओमकारेश्वर की प्रतिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी है। ओमकारेश्वर में प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन आरती और गुप्त आरती भी होती है। ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, चतुर्थ नंबर का ज्योतिर्लिंग है, यहाँ जो भगवान राम के पूर्वज हुए राजा मानता था, भगवान राम के 24 पीढ़ी पहले हुए थे, उन्होंने इस पर्वत पे ओमकार पर्वत जो बेदुरमणि पर्वत कहा जाता है इसे, इस पर तपस्या की उन्होंने राजा मानदाता ने और भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हुए। सबसे ये ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर मंदिर का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने और नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्थल पर ध्यान और पूजा करने से मन को शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। ओमकारेश्वर से INS 24/7 की रिपोर्ट। अंचल आचल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।